beach. मुझे देखना है, ठीक है? So till last, back benchers have to be more alert than the front rows. क्या होती है? Physiological need कि मेरा खाना, सोना, पीना इतना हो जाए enough. पहनना, that's all. So that's physiological need. जब वो पूरी हो जाती है, फिर we want something else. We want self-esteem. We want to get established. फिर वो भी हो जाता है. फिर हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आके हमारी फर्स्ट नंबर बन जाए. फिर हम चाहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फिर संतुष्ट होते हैं. वो कभी होता नहीं है. सो दैट्स हाउ. सो इंडिया में भी यही था. मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर अगर हम देखें कि पहले पहले था कि सभी मदर्स को केयर मिल पाए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था. फिर जब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्रोग्राम्स करके वो अचीव किया, देन वी लैंडेड अप इनटू द क्वालिटी ऑफ केयर. फिर आया मतलब डिस्कशन का पॉइंट कि केयर तो मिल रही है लेकिन क्वालिटी केयर नहीं मिल रही है. सो नाउ इट इज क्वालिटी ऑफ केयर इज अ डोमिनेटेड इशू इन द मिनिस्ट्री. देन दीज स्ट्रैटेजीज आर मोटिवेटेड बाय द एस्पिरेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर दैट नॉट ओनली लीड टू इम्प्रूव मेटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ आउटकम्स बट ऑल्सो फोकस्ड ऑन पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस. एवरीवन इज अ स्माइल, है ना? स्माइल जरूर करना चाहिए ना, पेशेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है. और पेशेंट को करते करते मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि सभी को करते हैं स्माइल अब हम, है ना? तो आपको भी यही, आंसुओं को तो आंखों में भी पना नहीं मिलती. सुना है ना ये? हाँ, तो ये सच है. और स्माइल को मिलती है ना? एवरीबडी, एवरी आई वॉन्ट्स टू सी द स्माइलिंग फेस. किसको पसंद होता है अगर मैं ऐसा करके खड़ी होंगी? वुड यू लाइक इट? नो. यू नाउ यू लव मी बिकॉज़ आई एम स्माइलिंग. इज इट राइट? लास्ट बॉय नीचे क्यों देख रहे हो भैया जी? बेटा अभी भी नहीं देखा उसने मुझे. तो लास्ट आपका ये है उसके साथ वाला बॉय. यस यू. नीचे क्या देख रहे हो बेटा? हाँ हमको देखो ना. नॉट ओनली दैट, इट्स अ थिंकिंग. जब एक मदर आती है तो आपके पास जब चेकअप के लिए आए तो आपको अपने अंदर पहले ये सोच लानी है, यस आई एम गोइंग टू डिलीवर हर और गिव हर केयर. यस इट्स अ फिलॉसफी. फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? सोच. सो ये सोच पहले रखनी है हमको कि मैं ये जो मदर आई है इसको नॉर्मल डिलीवरी करा दूंगी. पहले अपने अंदर तो दम भरना है, तभी तो वो आप इंस्टिल करोगे अगले को. अगर आप में दम नहीं है तो आप नहीं कर सकते अगले को मोटिवेट, एनकरेज. फ्रस्ट्रेशन आई गो, स्टिल आई गो. सो जब वो मदर एंटर हो रही होती थी लेबर रूम में, आई यूज टू स्टार्ट थिंकिंग, ए डॉक्टर कहेगा इसको एपिजियोटमी लगाओ, प्राइमी है. डॉक्टर माइट यूज फोर्सेप्स और मे यूज वेंटोस, बट आई एम गोइंग टू डिलीवर हर नॉर्मली. फर्स्ट थॉट उसको देख के. फिर उसके पास जब गए तो बात करना शुरू किया, और बात करके उसमें इतना एनर्जी, जो आप देखते हो मजदूरों को देखा है, हईशा क्यों बोलते हैं? दम लगा के हईशा फिर उठाते हैं उसको. वो क्या होता है? एनर्जी. वो थॉट्स है, उससे उनका ब्लड गर्म होता है, फिर उठाते हैं. सेम थिंग वी डू विद मदर्स ऑल्सो, काम कर सकते हैं. इसलिए जब हमने यहाँ पे कोर्स शुरू किया इंडिया में, प्लान कर रहे थे जब करिकुलम, तो डॉक्टर्स 26 लोगों की टीम थी, उसमें ओनली वन वॉज नर्स मिडवाइफ, दैट वॉज मी. बाकी 25 डॉक्टर्स थे. सबने कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, जैसे डॉक्टर सीख जाता है गायनी वाला डिलीवरी करना, ये भी सीख जाएंगे, सिखा देंगे इनको भी. सो आई सेड नो, ये इतना सिंपल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको नॉर्मल बनाना है हर चीज को. नॉर्मल फिजियोलॉजी, जैसे मेंस्ट्रुएशन इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. आपको कोई सिखा रहा था क्या उधर ऐसा करके ब्लड आएगा फिर क्या है? नो नो, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन. सेम वे व्हेन बेबी इज कमिंग आउट, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन. एक्चुअली इट शुड बी अलाउड, इट शुड बी ओनली फैसिलिटेटेड. So then I said that you all need to go to Sweden to have a educational tour. Philosophy that
यू हैव टू टीच दिस फ्रॉम द बिगिनिंग. यहाँ पे आपको, क्योंकि आपकी पूनम मैडम ने ये अरेंज किया, तो आपको ये थॉट प्रोसेस के लिए आज से ही इसमें एक बीज लगाना है ना, यहाँ पे एक बीज लगाना कि सोच से दुनिया बदलती है ना? सोच से दुनिया बदलती है ना, दृष्टि से सृष्टि बनती है, दृष्टि से बनती है ना. तो दृष्टि क्या होती है? जो यहाँ होता है वो दिखता है. मेरे को बहुत खूबसूरत भी बहुत गंदा लग सकता है अगर मेरी सोच अच्छी नहीं है. नमस्कार. आज के इस शुभ पावन अवसर पर, जो कि 14वां लैंप लाइटिंग सेरेमनी है TMU यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग का, कॉलेज ऑफ नर्सिंग इनफैक्ट, ये बहुत ही एक भव्य समारोह था. और इसमें जो भी अतिथिगण थे, जो माननीय अतिथिगण आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे इसमें विचार प्रस्तुत किए. और हमारे जो भी छात्र जिन्होंने ओथ ली और लाइट किया लैम्प को, उनको मोटिवेट किया, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आर्ट और साइंस दोनों की आवश्यकता होती है, और एक डेडिकेशन जो चाहिए इसमें वो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे यहाँ के छात्रों में बहुत अच्छा दिखा. और उसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगी उसकी टीम को, जो नर्सिंग की टीम है वो अच्छा काम कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑल सीनियर टीचर्स एंड ऑफ कोर्स देयर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीन, एकेडमिक्स एंड डायरेक्टर, गवर्नेंस. ऑल दीज पीपल्स आर मोटिवेटिंग देम एंड आर लीडिंग देम विद स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, बिकॉज ऑफ विच आई कैन सी टुडे द स्प्लेंडेड occasion. It was a marvelous ceremony, splendid occasion, pious ceremony, which will be remembered forever. Thank you so much.